हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। और पाठ्यक्रम प्रोग्राम के सीरीज में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोगों पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एंड ऑपरेशन। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो उसमें हम जो सिंबल यूज करते हैं उससे हम लोग ऑपरेटर यूज बोलते हैं। तो अब हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं इन पाइथन। जैसे आप कह सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, या आप कह सकते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, थर्ड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स हैं। तो हम इन सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड। तो जो भी हम लोग बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन सभी को बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर। So, समझ लेते हैं इसको हम लोग। जैसे ये आप सिंबल देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये सभी सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर। इसका मीनिंग जैसे इस सिंबल को हम बोलते हैं एडिशन, इस सिंबल को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट एंड इंटीजर डिविजन, या आप बोलेंगे इसको फ्लोर डिविजन। ठीक है, बट जब हम इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, जैसे मैंने लिखा 4 + 2, तो प्लस में हमारे यहाँ पे ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ 4 और 2 है, ये हमें हमारे ऑपरेंड्स, तो इन्हें हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। और जब भी हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं, ठीक है, तो मिनिमम आपके पास एक ऑपरेटर होना चाहिए और दो आपके पास ऑपरेंड्स होने चाहिए, तभी आप कोई एक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करा पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 2, आप देखेंगे कि हमारे लिखा आने वाला है 6 आने वाला है। इसी तरीके से 4 - 2, देन 2 देखने को मिलेगा हमको, 4 × 2 तो यहाँ पे 8 मिलेगा, 4 / 2 तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिवीजन करेगा। एंड यहाँ लिखा 4 modulus 2, तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो जो रिमाइंडर होगा इसका, तो 4 को डिवाइड किया 5 से हमने, कितना आया 2 × 2 = 4, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 जो रिमाइंडर आएगा ना वो 1 मिलेगा आपको यहाँ पे रियल की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा 5 double * 2, तो डबल स्टार को यहाँ पे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, मीन्स पावर, 5 to the power 2, इसको इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। एंड जब हम लोग 5 की पावर 2 करेंगे, इसका मतलब होता है कि 5 × 5, मतलब 5 की मल्टीप्लाई किससे करो, 5 से करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे 5 का फ्लोर डिविजन करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, एंड 5 को -5 को अगर फ्लोर डिविजन करेंगे यहाँ 2 मिलेगा। तो देखेंगे किस तरीके से मिलेगा जब हम लोग इसको कोडिंग वाले पार्ट में देखेंगे। तो चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट में और समझते हैं कि ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप देखा था, अब यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं इस कोड को, या इस फोल्डर को वीएस कोड में। तो हमने सीएमडी ओपन करा, यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट, जिससे क्या हो जाएगा हमारा वीएस कोड इस करंट फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वीएस कोड यहाँ से ओपन हो गया। अब ये तो हमारा डेटा टाइप का कोड है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे चल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे ऑपरेटर्स का। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा ऑपरेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे इस ऑपरेटर फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल करेंगे क्रिएट, फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे index.py फाइल। तो यहाँ पर नाम आप कुछ भी रख सकते हैं इस फाइल का, बट इसका जो एक्सटेंशन है वो .py होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और सबसे पहले समझने वाले हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स OPERA, ओके। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पहला जो ऑपरेटर हमारा वो था एडिशन, एडिशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर बनाया num1 = 10, एंड इसी तरीके से हमने दूसरा बनाया वेरिएबल num2 = 20। तो अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रिंट के अंदर प्रिंट इस तरह से, तो ये आप देखेंगे जिसका रिजल्ट आएगा कितना होगा 10 + 20 = 30। इसको रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए आपको कंसोल पे आना है। कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे आपको बस अपने ऑपरेटर वाले फोल्डर में जाना है, एंड वहां जाके आपको लिखना है पाइथन एंड index.py। जैसे आप एंटर करके हिट करेंगे तो यहाँ देखो sum of 2 numbers = 30, यहाँ पे जो रिजल्ट आया हमारा वो 30 आ गया। इसी तरीके से ये जो एडिशन देखा हम लोगों ने, इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, देन आप कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, आपको मैं सेम कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
एंड कॉपी करने के बाद इसको हम लोग कमेंट भी कर देंगे, एडिशन देख लिया हम लोगों ने। अब सेकंड ऑपरेटर हमारा वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या बनाया, दो बनाए वेरिएबल्स, नंबर असाइन 10 एंड नंबर टू असाइन 20, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, अच्छा डिफरेंस निकाल देंगे हम लोग। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज ऐसे करके वन नंबर माइनस नंबर, इस तरह से माइनस कर देंगे तो आपके आपको रन करने के लिए हम लोग करंट फोल्डर में देखो ऑपरेटर्स में ही है, बट यहाँ पे पाइथन लिख के इंडेक्स डॉट पी वाई और एंटर मारना है। या देखो दिख जाएगा डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज माइनस के 10, तो माइनस 10 कैसे आया, हमने 10 से माइनस किया 20 को तो माइनस के। इसी तरीके से हम लोग थर्ड ऑपरेटर देख सकते हैं, जो थर्ड हमारा ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोगों ने कॉपी ऑलरेडी किया हुआ है, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे यहाँ से। मल्टीप्लीकेशन पेस्ट करते हैं। अब यहाँ देखो नंबर कितना हमारे यहाँ पे 10, तो अब मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना पड़ेगा, नंबर स्टार भाई यहाँ पे स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऐसे करके वो चेक करेगा। अगेन कंसल्ट पाएंगे यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, और आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज 200, ठीक है, 200 कैसा है 10 × 20 200। इसी तरीके से अगर आपको डिवीजन करना है तो डिवीजन भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है वो है डिवीजन ऑपरेटर, तो सेम है आपका, देखो नंबर असाइन हम लोगों ने यहाँ 10 लिखा, नंबर टू 20, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर वन डिवाइड बाय टू, तो जब हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। अब आते हैं एंटर, देखो 0.5, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग 100 कर लेते हैं नंबर वन को, उसके बाद डिवाइड करेंगे आपको, तो आप देखेंगे कितना आ रहा है 5.0, मतलब 5। सीधी सी बात है, अगर आप 20 को डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आएगा 5 देखने को मिलेगा आपको। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जब हम लोग यहाँ पे इंटीरियर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, फ्लोटिंग टाइप आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको हम लोग सीखेंगे आगे, फिलहाल के लिए ऑपरेटर कैसे काम करता है ये हम लोगों ने आपसे पता लगा लिया। इसी तरीके से इसको कमेंट करते हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो है मॉडुलस ऑपरेटर, उसको भी देख लेते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर तो कैसे काम करता है, देखो जब हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे मैंने लिखा 13, और हम लोग 13 को डिवाइड करते हैं 2 से ऐसे, तो आपको पता है कि जब 2 को डिवाइड करेंगे मतलब 2 को मॉडुलस करेंगे किससे, 13 से, तो कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो यहाँ देखो रिमाइंडर इज तो आ रहा चाहिए 1 हमारा, तो इसको पहले कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन CLS से, ने लिखना है पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, और आप देखेंगे रिमाइंडर इज 1, क्योंकि हम इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे, और लास्ट में कितना बच जाएगा हमारा 1 बच जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग 13 की जगह पर देते हैं 10, तो जब 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा 0, तो यहाँ पे आपको फिर 0 देखने को मिलेगा, रिमाइंडर इज 0। सो यही पता लग गया हमको कि किस तरीके से हमारा मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर था वो था एक्सपोनेंट मीन्स पावर, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आके आपको करना क्या है, कोई नंबर लिखना है सेम, नंबर हमारा हो गया ऐसे करते हैं, नंबर जो होगा हमारा 5 हो गया, एंड नंबर टू जो हो गया हमारा 2 हो गया। अब मुझे पावर निकालनी है, ऐसे निकालनी है पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ 5, SQUAR स्क्वायर ऑफ 5 इज, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 का स्क्वायर 25, तो कैसे कितना करेंगे, नंबर 1 का आप स्क्वायर कर दो इस तरह से, तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25,
ये देखेंगे स्केलर स्कीम एंड पाइथन डैशबोर्ड पी वाई, और आप देखेंगे स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है देन आप इसका यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक था हमारा किलो डिवीजन। तो किलो डिवीजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे एफ एल डबल ओ आर फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे ले लिया मैंने नम, मैंने ले लिया 10, ठीक है, या फिर यहाँ पे ले लिया मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, चलो 15 ले लिया, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से। तो फ्लोर डिवीजन सिंपल था, डबल फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे हम लोग 2 नम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा फ्लोर डिवीजन में। चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे, यहाँ पे आ गया पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, और जैसे हम लोगों ने एंटर मारा देखो फ्लोट डिवीजन कितना आ गया 7। तो जब हम लोग यहाँ पे 5 को डिवाइड करते हैं, 15 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 7 जा 14 कितने बढ़ गया 7 टाइम्स, तो हमको वहाँ पे 7 देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे और ये पता लग गया होगा कि कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। सो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनल्स, या फिर कह सकते हो आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो होते क्या है, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स समझ लेते हैं इसको। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स, या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेशंस, टू प्रोड्यूस अ लॉजिकल वैल्यू। अ लॉजिकल वैल्यू इज एदर ट्रू और फेल्स, मतलब कि जब भी आपको दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कराना होता है एक दूसरे से, तो उस केस में यूज करते हैं हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है। और जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा बूलियन टाइप की वैल्यू आपको करेंगे रिटर्न, मीन्स या तो ट्रू में करेंगे या फिर फॉल्स में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे देख सकते हैं आप लेस देन, इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसे बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे इक्वल टू बोलेंगे और इसे बोलेंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब कैसे काम करते हैं देखो, ये जैसे मैंने कहा भाई 5 लेस देन 2, क्या 5 2 से छोटा है, नहीं, तो यहाँ मिल जाएगा रिडल आपको फॉल्स। इसी तरीके से मैंने बोला 5 ग्रेटर देन 2, यस ट्रू। 5 लेस देन और इक्वल टू मीन्स 5 या तो 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए, तो दोनों में से कोई भी नहीं है, फॉल्स आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 5 या तो 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए, तो दोनों में से हमारा जो ग्रेटर देन है वो एकदम सही है, तो यहाँ आएगा ट्रू। इसीलिए 5 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ आ जाएगा फॉल्स। ना 5 इज नॉट इक्वल टू 2, यस 5 इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं। तो इसको भी हम लोग समझने के लिए चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे और कैसे काम करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, इसी के नीचे हम क्या करने वाले हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर्स को करने वाले हैं। क्या लिखेंगे, कंपेरिजन। तो पहला जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन, इसे हम लोग इसे करते हैं एंगल ब्रैकेट से। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 बनाए वेरिएबल्स, एक नंबर बनाया एंड एक बनाया हम लोगों ने नंबर, फिर यहाँ पे लगाया कि num1 ग्रेटर देन num2, मतलब num1 ग्रेटर देन तो चेक करते हैं क्या num1 ग्रेटर देन num2 से। तो अगर num1 बड़ा हुआ num2 से तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। इसको रन करने के लिए चलते हैं अपने कंसोल पे, यहाँ पे सीरियस करते हैं इसको, और अगेन पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई में num1 ग्रेटर देन num2 फॉल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि num1 जो है वो छोटा है num2 से, इसलिए क्या मिली वैल्यू हमको फॉल्स। सिमिलरली अगर आपको लेस देन कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए भी हम लोग सेम यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, ये तो ग्रेटर हो गया, इसी तरीके से लेस देन। तो लेस देन में क्या करेंगे, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एंड यहाँ पे आपको वो सेम कोड लिखना है। तो नंबर हमारा हो गया यहाँ पे 10, num2 20, और मैंने कहा भाई num1 less than num2 मीन्स num1 less than, सेव करते हैं इसको और रन करेंगे। यहाँ पे आते हैं कंसोल में आके, CLS
पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हैं नम वन लेस देन नम टू, यस मतलब हमारा जो नम वन है वो नम टू से छोटे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, अब देखते हैं लेस देन और इक्वल टू कैसे काम करते हैं, या ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे काम करते हैं। इसको कॉपी करके कमेंट करते हैं और अब देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कमेंट करेंगे पहले हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलो देखते हैं इसको हम लोग। तो इसके बाद यहाँ पे इसको पेश कर देते हैं, नम वन 10 है हमारा, नम टू 20 है। तो मैंने कहा भाई जो नम वन है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू नम टू, नम वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब ये होता है कि नम वन या तो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब नम टू से बड़ा होना चाहिए, या फिर नम टू के बराबर होना चाहिए। तो इस समय ना तो नम वन नम टू से बड़ा है और ना ही नम टू से, ना तो ना ही नम टू के इक्वल है। इस केस में क्या होगा, हमको मिलने वाली वैल्यू फॉल्स। बट अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं नम वन की वैल्यू कर दी 100, ठीक है, नम वन क्या हो जाएगा इसके ग्रेटर हो जाएगा, मतलब नम वन की वैल्यू नम टू से ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में क्या मिलने वाला है, हमको ट्रू मिलने वाला है। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ कि नम वन की वैल्यू भी क्या कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, सो अब नम वन वाला नम वन या तो नम टू से बड़ा होना चाहिए या फिर नम टू के इक्वल होना चाहिए। तो देखो नम वन जो है वो नम टू से बड़ा तो नहीं है, दोनों इक्वल हैं, बट दोनों के बराबर हैं। इस केस में भी क्या मिलने वाला है, हमको ट्रू मिलने वाला है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का जो मतलब ये होता है कि या तो वैल्यू उसके ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, तभी वो आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, कमेंट करते हैं हम लोग और यहाँ देखने वाले हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसको पेश करते हैं नम वन नम टू। मैंने बोला भाई नम वन जो है वो या तो नम टू के नम टू से छोटा होना चाहिए या फिर नम टू के बराबर होना चाहिए। चलो इसको भी चेक करते हैं, करते हैं सी एल एस एंड यहाँ लिखेंगे पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई। बट मैंने स्टेटमेंट चेंज करी कि नम वन इज लेस देन और इक्वल टू, ऐसे करते हैं। तो सी एल एस करते हैं पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, नम वन लेस देन और इक्वल टू नम टू, यस नम वन जो है वो नम टू से छोटा तो नहीं है लेकिन हाँ नम टू के बराबर, तब क्या मिल रहा है, हमको ट्रू मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ पे क्या करें कि नम टू की वैल्यू को कर देते हैं 200, मीन्स नम वन ना तो नम टू से छोटा है और ना ही नम टू के बराबर है, इस केस में हमको मिलने वाली है वैल्यू फॉल्स। ओके फॉल्स, ठीक है। बट अभी हम क्या करते हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू को कर देते हैं टू। देखो नम वन की वैल्यू या तो नम टू से छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल नम टू से छोटी है तब भी क्या मिलेगा, हमको वैल्यू इसकी ट्रू मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्या करता है, ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक होता है नॉट इक्वल टू, एक होता है आपका नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल क्या काम करता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो बनाए वेरिएबल्स, तो ये वो चेक करता है कि दोनों ऑपरेटर्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो मैंने कहा भाई नम वन इज नॉट इक्वल टू नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, इस तरह से नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू। तो चेक करते हैं क्या नम वन नम टू के इक्वल नहीं है, फिर करते हैं देखो फॉल्स यस, क्योंकि दोनों नंबर क्या है इक्वल है। बट अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, अब ये नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, यस नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, इस केस में क्या मिलने वाला, हमको यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। तो ये ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे, उसको देखते हैं कि वो क्या क्या ऑपरेटर होते हैं और कैसे काम करते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखो होता है क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट मोर रिलेशनल ऑपरेशंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। अ वैल्यू ऑब्टेन बाय इवेल्युएटिंग अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लॉजिकल, इदर ट्रू और फॉल्स। मीन्स कि जो हम लोग रिलेशंस ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो रिलेशन ऑपरेटर हम सिर्फ एक बार में एक ही ऐड कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ दो वैल्यू को करा सकते हैं कंपेरिजन। बट अगर आपको एक साथ मल्टीपल रिलेशन ऑपरेटर अप्लाई करने हैं तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। और आपको याद रखना है कि
लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, लॉजिकली वैल्यू को करते हैं रिटर्न, मीन्स या तो ट्रू करेंगे या फिर वो फॉल्स करेंगे। तो होते देखो कौन कौन से हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, जैसे एंड और एंड नॉट। इनका मीनिंग है लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल और, एंड इसे बोलते हैं लॉजिकल नॉट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हम लोगों ने 5 less than 2 एंड 5 greater than 3, मतलब 5 या तो 2 से छोटा होना चाहिए या फिर 5 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो दोनों केसेस में जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स हैं, तो यहाँ मिल जाएगा हमको रिडल फॉल्स। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर जब हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो उस केस में यूज करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा मैंने 5 less than 2 और 5 greater than 3, मीन्स 5 या तो 2 से छोटा होना चाहिए या फिर 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आपको पता है कि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इस केस में क्या मिलने वाला है हमको, ट्रू मिलने वाला है। नॉट कहता है कि 5 less than 2, मतलब 5 less than 2 है कंडीशन तो हमारी की क्या है, फॉल्स है, लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स कंडीशन क्या करता है, कन्वर्ट ट्रू में कर देता है। तो इसको समझते हैं हम लोग वन बाय वन से कैसे काम करते हैं। तो जैसे सबसे बात करते हैं हम लोग एंड ऑपरेटर की, तो एंड ऑपरेटर कहता है कि इफ वन कंडीशन इज फॉल्स देन योर होल रिजल्ट विल बी फॉल्स। जैसे लिखा हमने यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन जब आने वाली ट्रू है, सेकंड भी आपकी ट्रू है, तब तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे रिजल्ट ट्रू। यहाँ लिखा सेकंड फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो आपको मिलने वाला है फॉल्स। इस तरीके से फॉल्स ट्रू तो आपको फॉल्स मिलेगा, फॉल्स फॉल्स देन आपको फॉल्स मिलेगा, ट्रू एंड एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, फॉल्स और एक्सप्रेशन है देन आपको मिलने वाला है फॉल्स। तो इस तरीके से हमारे मतलब काम करते हैं एंड ऑपरेटर्स। ये कहने का मतलब है अगर आपको एक लाइन में ही समझना है तो आप कह सकते हैं कि अगर एक भी कंडीशंस आपकी फॉल्स होती है तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो एंड के केस में सभी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रू एंड एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू, तो यहाँ पे मिलेगा हमको एक्सप्रेशन ट्रू जो सबसे लास्ट में एक्सप्रेशन होगी हमारी। इसी तरीके से अगर फॉल्स लिखा एंड एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू, तो यहाँ मिलने वाला हमको फॉल्स। तो ट्रू के केस में आपको लास्ट एक्सप्रेशन मिलने वाली है और फॉल्स के केस में आपको फॉल्स मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर कहता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू होने वाला है। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई हमारी, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, उस केस में आपको मिलने वाला रिजल्ट ट्रू। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो भी आपको ट्रू मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तब भी आपको ट्रू मिलने वाली है वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड फॉल्स, देन आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हर केस में आपको ट्रू मिला। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड एक्सप्रेशन है, तो ट्रू मिलेगी वैल्यू। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड एक्सप्रेशन, तो उस केस में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने समझा था यहाँ पे कि और के केस में आपको ट्रू मिलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वन मिलेगा। सो लास्ट जो हमारा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, वो है नॉट ऑपरेटर। ये कहता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकली करके, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे कैसे काम करते हैं। तो समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा कोडिंग वाले पार्ट पे, तो चलो मिलते हैं। तो हम लोग अपने वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर में आ गए, जहाँ पे हम लोग कोड लिख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे एंड ऑपरेटर को, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे दो तो नंबर बनाए, num1 एंड num2, ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको समझने के लिए ना और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, मैंने क्या बनाया, प्रिंट फंक्शन लिखा, एंड प्रिंट फंक्शन के अंदर ना हम लोग मल्टीपल क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 किया एंड सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन,
तो पहली कंडीशन क्या लिखी मैंने, क्या भाई 10 ग्रेटर देन 50 मीन्स क्या 10 ग्रेटर देन 50 है? इसके बाद क्या लिखा हम लोगों ने, 10 ग्रेटर देन 13, फिर यहाँ लिखा हम लोगों ने 10 ग्रेटर देन 17। तो यहाँ पे देखा हो, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स एंड थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स। जब सभी कंडीशन आपकी फॉल्स हैं तो उस केस में जो हमको मिलने वाला रिजल्ट वो क्या मिलने वाला है, देखो वो मिलने वाला है हमको फॉल्स। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को मतलब कॉपी किया मैंने इसको, कमेंट कर देता हूँ, इसी लाइन को यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग एक कंडीशन को ट्रू कर देंगे, जैसे मैंने कहा भाई 100 इज ग्रेटर देन 15 यस, एंड 100 इज ग्रेटर देन 13 बट 10 इज नॉट ग्रेटर देन 17। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू है, ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू है, लेकिन जो एक कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है एंड इस केस में, तो उस केस में क्या करेगा, जो आपका कंप्लीट रिजल्ट है वो फॉल्स ही रहने वाला है। ओके अब हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रू कर देंगे, मतलब 100 इज ग्रेटर देन 17। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि अब सारी कंडीशंस ट्रू है हमारी, जब सारी कंडीशंस ट्रू है तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे रिजल्ट ट्रू, परफेक्ट। बट अगर हम लोग और की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे और ऑपरेटर्स, ठीक इसको पेश करते हैं यहाँ पे, अब एंड की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया और ऑपरेटर्स, और कहते हैं कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो मैं आपका आउटपुट ट्रू कर दूंगा। जैसे मैंने कहा भाई 100 ग्रेटर देन 17, ठीक है भाई सिलेक्ट करते हैं, देखो ट्रू। पहली कंडीशन हमारी फॉल्स थी, सेकंड कंडीशन भी हमारी फॉल्स थी, लेकिन थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, ट्रू थी, उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब इन तीनों में से आप किसी भी कंडीशन को ट्रू करेंगे तब भी आपको सेम आउटपुट ही मिलेगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैंने लास्ट वाली कंडीशन ट्रू करी तो ट्रू मिल रहा है, जैसे मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन को ट्रू करा तब भी आपको रियल में क्या देखने को मिलेगा, ट्रू मिलेगा। या फिर आप चाहो तो बीच की कंडीशन ट्रू कर दो, बाकी सबको फॉल्स कर दो, तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपको रियल मिलने वाला है ट्रू, और कि इसमें आपको सारी कंडीशन फॉल्स करनी पड़ेंगी तभी आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। ये तो हमारा कंसेप्ट था और का। बट अगर हम लोग नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं, नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर कहता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो मैं उसको फॉल्स कर दूंगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दूंगा। जैसे मैंने कहा भाई 10 ग्रेटर देन 15, भाई सीधी बात है कि भाई 10 15 से ग्रेटर नहीं होता, यह मिलने वाला है हमको फॉल्स। तो अगर मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया, नॉट लिख दिया मैंने इसके आगे, अगर तो ये बन जाएगा फॉल्स था इस कंडीशन हमारी, तो इसको बना देगा ये ट्रू, इसको कर नहीं देखो तो फॉल्स थी, इसको कितने कर दिया कन्वर्ट, ट्रू में कर दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पर मैंने क्या करा इसको, अब मैंने पहले कंडीशन की 100 कर दी। अब आपको पता है कि ये 100 जो है वो ग्रेटर देन है 15 से, यस अगर ग्रेटर देन है तो आपको क्या मिलने वाला है आउटपुट में, ट्रू मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रू आ गया। बट अगर आपने इसके आगे क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो ये कंडीशन ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। नॉट लिखा हम लोगों ने, अब यहाँ पे चलते हैं और इसको रन करेंगे, इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये तीनों ऑपरेटर्स आपको, कि एन कैसे काम करते हैं, और कैसे काम करते हैं, और नॉट कैसे काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे बच्चे ऑपरेटर्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, तो चलते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर्स है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो होते क्या असाइनमेंट ऑपरेटर, एन असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मतलब कि जैसे हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल में जब हम लोग कोई वैल्यू को असाइन करवाते हैं तो यूज करते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा मैंने एम इक्वल टू 15, तो यहाँ इक्वल ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 15 असाइन इंटू एम। मतलब हमने एक वैल्यू एम नाम के वेरिएबल में क्या कर दी, असाइन करा दी। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर्स, और इसको हम लोग मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, एम मतलब वाई असाइन ए प्लस बी, ए की जो वैल्यू होगी
और बी की जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी और असाइन हो जाएगी इसके अंदर वाई के अंदर। तो वाई की जो करंट वैल्यू होगी वो इन दोनों का ए और बी का सम होगा। इसी तरीके से मैंने लिखा पे 10 प्लस 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, एंड 30 किस में साइन हो गया हमारा वाई में, तो वाई की जो करंट वैल्यू कितनी होगी हमारी अब 30। ओके, बट जो हम लोगों ने इस तरह से लिखा है ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि एम असाइन एम प्लस 10, मतलब एम की जो करंट वैल्यू है जो कितनी है 50, इसमें आप कितना ऐड कर दो 10 ऐड कर दो, तो मैंने 15 में 10 ऐड किया 25, और 25 किस में कर दो एम में असाइन कर दो, तो एम में असाइन किया, एम की करंट वैल्यू कितनी होगी हमारी अब 25। ठीक है, इसी चीज को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे कहता है पाइथन कि आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ऐसे, मतलब एम प्लस असाइन 10। तो जो लाइन आपने इस तरीके से लिखी है एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसी तरीके को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिमिलरली मैंने कहा भाई एम की जो करंट वैल्यू है जो कि 15 है, आप उसमें से कितना माइनस कर दो 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5, और 5 किस में कर दो असाइन एम, एम की जो करंट वैल्यू कितनी होगी हमारी अब वो हो गई 5। इसी तरीके से उसको लिखना चाहो शॉर्ट में तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एम माइनस इक्वल टू 10। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन, इसी तरीके से मॉडुलस, इसी तरीके से पावर ऑन सो, तो ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे इस असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। तो इसको भी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली करके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए चलना पड़ेगा हमको अपने कोडिंग वाले पार्ट। तो हम लोग अपने वीएस कोड में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो करेंगे हम लोग लिख लेते हैं अपने ऑपरेटर, ASIGNMENT असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो जैसे यहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने एम असाइन, लिखा एम असाइन 10, तो यहाँ इक्वल ने बोल के बोलेंगे एम में हमने 10 की वैल्यू असाइन करा दी, मतलब 10 असाइन करा दिया। सो अब कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ लिखा मैंने, भाई प्रिंट करता हूँ पहले, तो एम इक्वल टू एम प्लस 10 कर दीजिए। तो एम की करंट वैल्यू कितनी थी 10, 10 में मैंने कितना ऐड कर दिया 20, तो अब एम की वैल्यू कितनी होगी भाई मेरी, एम की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी 20। तो अगर मैं इस एम की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो कितना आएगा 20 आएगा। इसे रन करते हैं हम लोग, उसको इसी रख लेते हैं, टाइप करेंगे पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, और यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी होगी हमारी 20 होगी। इसी चीज को अगर मुझे थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और आपको यहाँ पर आना है, लिखना आपको एम प्लस इक्वल टू 10, मतलब इसका मतलब यह है कि आपने एम में 10 वैल्यू ऐड की और उसी में आपने असाइन भी करा दी वैल्यू, तो इसमें भी आपको जो वैल्यू मिलेगी हमारे एम की वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारी 20। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20, इसको भी चेक करते हैं हम लोग, आपको सेम आउटपुट देखना। परफेक्ट। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एडिशन किया उस तरीके से आप बाकी सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, ऑपरेटर के लिए यूज कर सकते हो। जैसे लिखा मैंने एम इक्वल टू एम माइनस 5 या 4 कर दिया, तो एम की वैल्यू कितनी है करंट वैल्यू 10, 10 से कितना माइनस किया मैंने 4, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 6, तो यहाँ पे आपको दिखने वाला है 6 करते हैं, और देखो एम की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 6। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो भाई मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब जैसे मेरे को शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, एम माइनस इक्वल टू 4, तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, देखो देखने को यहाँ पे आते हैं 6, बहुत आसान। तो जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। इसी तरीके से हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मतलब एम में मैं एम में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 5 से, और एम में असाइन करना चाहता हूँ। एम की करंट वैल्यू 10, 10 की मल्टीप्लाई करो 5 से 50, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी अब 50 हो जाएगी। तो मैं इसको भी दिखाता हूँ करके आपको, सी एल एस एम की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 50। इसी तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम लोग, कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, एम स्टार इक्वल टू 5, कमेंट करते हैं इसको, चलो सेव करते हैं इसको हम लोग और रन करते हैं, तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, अब मुझे डिवाइड करना है, मॉडुलस करना है, तो वो सारे ऑपरेटर भी कर सकते हैं, तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं, और मैंने आपको पीपीटी में दिखाए हैं ऑपरेटर्स, तो आप वहां से देख के अपने प्रैक्टिस में उन चीजों को ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको समझ में आ गए होंगे, कि इनकी फंक्शनलिटी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ऑपरेटर हमारे काम करते हैं।
सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर्स में कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। देखो होते क्या है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो द मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू टेस्ट द मेंबरशिप इन अ सिक्वेंस सच एज स्ट्रिंग लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स एंड नॉन इन ऑपरेटर्स। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई भी एक सिक्वेंस ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप है, उसमें से अगर आपको किसी वैल्यू को फाइंड करना है तो उस केस के लिए आप यूज कर सकते हो मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो दो तरह के हमारे पास होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, पहला होता है इन ऑपरेटर्स एंड सेकेंड होता है नॉट इन ऑपरेटर। तो जैसे दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड एन एलिमेंट इन द स्पेसिफाइड सिक्वेंस। तो जैसे इट रिटर्न्स ट्रू इफ एलिमेंट इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सिक्वेंस, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई और जिसमें लिखा वेलकम टू एजुकेशन फॉर नेशन। अब इस स्ट्रिंग में से मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो टू इन एच टी वन, मतलब इस सिक्वेंस टाइप वेरिएबल में से मुझे टू फाइंड करके दो कि ये टू इसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर इसमें टू प्रेजेंट हुआ तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा इट में, अगर नहीं हुआ तो आपको ये फॉल्स वैल्यू करेगा इट में। तो कैसे करेंगे, देखो या टू है, देखो इस स्ट्रिंग में आपको टू देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखो तो ये टू में क्या दे रहा है, टू दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने यहाँ पे टू लिखा और यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है तो ये सिक्वेंस सर्च करता है, तो सिक्वेंस में देखो टॉप लिखा टी ओ, इस सिक्वेंस में मिल जाएगा इसको, तब भी आपको ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से हमने लिखा यहाँ पे एस यू बी एस सब, तो इस नाम का तो कोई भी देखो स्ट्रिंग नहीं है सिक्वेंस में, तो इस केस में मिलने वाली हमको फॉल्स वैल्यू। सिमिलरली नॉट इन की बात करते हैं, तो दिस ऑपरेटर वर्क्स इन रिवर्स मैनर फॉर इन ऑपरेटर्स। इट रिटर्न्स ट्रू इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सिक्वेंस एंड इफ एलिमेंट इज फाउंड इट रिटर्न्स वैल्यू फॉल्स। तो उसके अपोजिट काम करता है ये ऑपरेटर्स, अगर उसकी वैल्यू मिल जाती है तो उसके इसमें रिटर्न देगा, अगर नहीं मिलता तो मिलेगा इसको ट्रू। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई और यहाँ लिखा सब्स नॉट इन एस टी वन, मतलब ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं है तो ट्रू। ठीक इसी तरीके से टू नॉट इन दिस, तो लेकिन ये तो है इसके अंदर तो मिल जाएगा ये फॉल्स। इसी तरीके से यहाँ लिखा टू नॉट इन दिस, तो यहाँ मिल जाएगा आपको फॉल्स, क्योंकि टू तो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हम लोग कोडिंग वाले पार्ट में चल के, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोग आ गए अपने कोडिंग वाले पार्ट पे, मतलब वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर में, जहाँ पे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई मतलब एस टी वन नाम से, और यहाँ लिखा वेलकम टू एजुकेशन फॉर नेशन, ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना ली। अब इसमें मुझे एक वर्ड फाइंड करना है, इसमें टू फाइंड करना है, टू चेक करना है मुझे इसमें है या नहीं है, तो इन लगाऊंगा और अपना सिक्वेंस टाइप वेरिएबल की वैल्यू, अगर हुई वैल्यू तो ये ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, सेव करते हैं और चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट में, सी एल एस, उसके बाद आपको लिखना है पाइथन या देखो ट्रू, क्योंकि इसमें वैल्यू ये फाइंड हुई है अभी। इसी तरीके से अगर मैंने कॉपी किया इसको कमेंट करके, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि एस टी वन किया हम लोगों ने और मैंने यहाँ पे टू की जगह कर दिया ई डी यू, ई डी यू, तो ई डी यू एक सिक्वेंस में है। ठीक इसको मैं रन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या आने वाला रिजल्ट, फॉल्स। ठीक है, सो आपको इसका याद, इसका ध्यान रखना है आपको कि जो आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, जो भी आप कीवर्ड या जो भी वर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो केस सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब अगर आप ढूंढ रहे हैं ई डी यू तो ये कैपिटल में अगर ई डी यू है तो उसको कैच नहीं करेगा, उसको मैच नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सर्च करते हैं इसको तो आपको मिलने वाली यहाँ वैल्यू ट्रू। ओके, इसी के साथ साथ जैसे मैं कुछ ऐसी वैल्यू सर्च करना चाहूँ जो उसके अंदर है ही नहीं, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे मैंने कहा भाई एस यू बी एस, अब मुझे सर्च करना है इसको, देन चलेंगे यहाँ पे हम लोग सी एल एस पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई, ये मिलने वाली वैल्यू हमको फॉल्स, मतलब ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं। ये तो हो गया हमारा इन ऑपरेटर्स। अगर हम बात करते हैं नॉट इन ऑपरेटर्स की, तो नॉट ऑफ नॉट इन ऑपरेटर्स ये इसके अपोजिट काम करते हैं।
तो मैं आपको इसी में ये चीजें करके दिखाता हूँ। जैसे लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया एंड यहाँ पे मैंने कर दिया नॉट इन, नॉट मतलब टू इसमें नहीं है, ये सबको साफ साफ पता है कि टू तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या मिलने वाला है इसमें आपको, इसमें मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आते हैं और आपको पता है कि स्मॉल ईडीओ तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, जब नहीं है इसमें प्रेजेंट तो क्या मिलने वाला हमको इस केस में, ट्रू मिलने वाला है भाई, परफेक्ट। और इसकी अगर हम बात करें थर्ड वाले की तो सब्स नॉट इन, तो ये भी नहीं है, तभी आपको क्या मिलने वाला है, ट्रू वैल्यू मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेंबरशिप ऑपरेटर भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। बाकी का जो ऑपरेटर्स हैं हम लोग उसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में फिनिश। तो इसमें इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।